और क्योंकि यहाँ पर जो है स्पाइसी थोड़े कम होते हैं, तो थोड़ा सा मैं रेड चिल्ली इसमें डालता हूँ। हेलो वेलकम बैक, स्टार्ट है अनदर डे फ्रॉम इस्तांबुल से। अभी हम लोग पहुँचे थे ब्रेकफास्ट करने और यहाँ पर जो है वो क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लंच टाइप का ही कह लें, ब्रेकफास्ट तो क्या लंच टाइप का ही हो गया, क्योंकि इनके पास डिफरेंट टाइप के सालन थे, सूप था जिसमें कोफ्ते थे, वेजिटेबल था, चिकन था, कीमा वगैरह था और उसके साथ खूब वगैरह मिलते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो है वो ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर हमारा पहुँच चुका है, तो हम लोग फर्स्ट ट्राई करने वाले हैं सूप। पहले हम लोग प्लेन ट्राई करते हैं। ये बीन्स जो है उसको जो है ग्राइंड करके जो उन्होंने बनाया है, अच्छा है क्योंकि गर्मी सर्दी है तो उसके साथ जो है उसके लिए काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहा है। और चाहे तो आप उसके साथ लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा लेमन, चिल्ली है, चिल्ली भी डालेंगे, चिल्ली और उसके साथ लेमन के साथ ट्राई करने वाले हैं। अच्छा है। तो इसमें जो है ना बीन के साथ मुझे लग रहा है इसमें जो है ना नॉट नाउ थ्री। तो अभी इसमें जो है ना क्या नाम है, बीन के साथ साथ जो है ना गंदम जो होता है ना मुझे वो भी ऐसा लग रहा है पिसा हुआ है, तो उसका भी टेस्ट आ रहा है साथ जो है इसके साथ। नेक्स्ट अभी हम लोग ट्राई करने वाले बीन, चाहे तो चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और सेपरेटली, तो भी हम लोग ट्राई करने वाले विथ फ्राई। और क्योंकि यहाँ पर जो है स्पाइसी थोड़े कम होते हैं, तो थोड़ा सा मैं रेड चिल्ली इसमें डालता हूँ। राइस जो है यहाँ पर मोटे मोटे होते हैं बहुत टेस्टी हैं, अच्छे राइस हैं, उसके साथ बीन के साथ बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो बनस्पति खाते हैं, थोड़े बारीक होते हैं, यहाँ पर जो है मोटे चावल यूज़ किए जाते हैं। साथ ही जो हमारे चाय भी आ गई है। नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं कोफ्ते, लेट्स सी। पहले हम ट्राई करते हैं विद करी, करी किस तरीके से। अच्छा इसमें यह है कि ये वाली जो खुब्स होती है ना, इसमें पूरा जो है वो एक तरीके से शोरबा आपका जब्स कर लेता है। आलू, आलू के साथ टमाटर मिर्चे वगैरह पड़ी हैं, ये तो अच्छा है। इसके अंदर जो है स्पाइसेस भी ज़्यादा हैं, तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे डायरेक्ट कोफ्ता किस तरीके का। अच्छा है भाई, अच्छा है। अंदर से जो है ना मसाले वाला है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। अभी हम लोग करी के साथ ट्राई करते हैं। ये जो है वेजिटेबल है, मिक्स वेजिटेबल है, इसमें जो है बैगन है और फली वगैरह है। मेन जो है ना करी है, जो इसका सालन बनाया है उसका शोरबा बहुत मजेगा, तो उसके साथ जो है उसके अंदर मसाले भी पड़े हुए हैं, स्पाइसेस भी है, नॉर्मल है, अच्छा लगा। और क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेड इसी तरीके से मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने वाले हैं चिकन, पहले चिकन का पीस ट्राई करते हैं। चिकन जो है ना वो प्लेन है, चिकन जो है वो प्लेन लग रही है, खैर मैंने भी खा के ट्राई किया। अच्छा करी के साथ जो है चिकन का टेस्ट सही लग रहा है, सेपरेट चिकन खाते हैं तो वो थोड़ी सी स्पाइसी उसमें कम है, मगर ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। साथ जो है हमारी चाय रेडी है, क्यूब्स के साथ जो है अभी हम ट्राई करने वाले हैं चाय। धुआँ देखें, चाय जो है नॉर्मल ब्लैक होती है, मगर अब यहाँ पी पी के ऐसा फील नहीं होता कि जो है ना बिल्कुल विदाउट मिल्क जो है चाय पी रहे, क्योंकि एक टेस्ट भी बन गया और इतना फील नहीं होता। अगर आप यहाँ पर ब्लैक ही का ऑप्शन होता है, दूध वाली चाय मिलती नहीं है, मगर ये कि अच्छी लगती है। अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद मिलते हैं, मैं बताता हूँ ओवरऑल कितना एक्सपेंस आया। सुबह सुबह बकलावा खाने का मूड नहीं हो रहा। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कहें या लंच कहें, व्हाटएवर जो भी कहें, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसकी टोटल कॉस्ट जो आई है वो आई है 133 लीरा, जिसके अंदर हमारे पास 4 प्लेट राइस थी, 2 कोफ्ते थे और बहुत सारी चीज़ें थी। बारह टोटल जो है ऑल टुगेदर 133 लीरा आई है। सो वंस अगेन अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तकसीम स्क्वायर से शॉपिंग स्ट्रीट, जिसका जो है नाइट व्यू तो काफ़ी अमेजिंग है। जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो अपडेट की थी नाइट लाइफ इन इस्तांबुल, उसके लिंक जो है नीचे भी मौजूद है और ऊपर टॉप पे भी आ रहा है। अभी नाश्ता करके आए हैं बच्चे और, मगर फिर भी जो है वो मॉर्निंग में ही भुट्टा और जो है हेज़लनट मिलता है वो ट्राई कर रहे हैं। तो बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं नियर बाय टेक्सम स्क्वायर, यहाँ से पता करते हैं कि कौन सी बस जाती है। जल्दी 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 रच बहुत है। ये
यही वो ब्रिज है जो तकसीम स्क्वायर से जो है फातिह मोहम्मद या जो है आप कह सकते हैं कि एशियन साइड से जो है यूरोपियन साइड को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये काफी बड़ा एक ब्रिज है और दोनों साइड के ऊपर आपको जो है लोग मिलेंगे जो फिशिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यूरोपियन साइड से एशियन साइड के ऊपर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, जाना तो आज हमें कहीं और था पर जा नहीं सके, और अभी हम लोग पहुंचे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार की तरफ। और यहां पर पहुंचने के बाद जो है आपको जैसे आप स्टॉप पे उतरेंगे वहां पर आपको एक कार नज़र आएगी जिसकी हिस्ट्री ये है कि जब तुर्की के अंदर इनके आपस के लोगों ने में बगावत हुई थी, उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने जो है वो टैंक के थ्रू जो है इस कार को जो है क्रैश किया था। तो एज अ यादगार के तौर पर रखा हुआ है कि अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो उनको ये याद रह के जो बागी लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं उनका क्या अंजाम होता है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए अगर आप टक्सिम स्क्वायर से आ रहे हैं बस नंबर 55T के थ्रू आप पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास इस्तांबुल कार्ड है तो उसकी कॉस्ट जो है 4 लीरा, और अगर आपका इस्तांबुल कार्ड नहीं है वन टाइम का आप कार्ड लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 8 लीरा। तो ये सारा एरिया जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार के एंट्रेंस का है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मज़ार, और फिर वहाँ पहुँच के जो है आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो ये जो है एंट्रेंस है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार के बाहर, और यहाँ से अभी जो है हम लोग इंटर हो रहे हैं मज़ार शरीफ के अंदर। और साथ ही साथ देखें इन्होंने काफ़ी अच्छा एक अहतमाम किया हुआ है, लोग आते हैं तो उनके साथ शूज़ वगैरह होते हैं तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर शॉपर का इंतज़ाम किया हुआ है। तो यहाँ से आप जिस तरीके से सऊदी अरब वगैरह के अंदर हज उमरे के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर शॉपर दिया हुआ है, आप अपने शूज़ वगैरह जो है उसमें हैंग कर लें, अपने पास रख लें उसमें डाल के, ताकि जो है उसमें कोई चीज़ गिरे नहीं, कोई गंदगी वगैरह मज़ार शरीफ में ना हो। वहाँ पर खड़े होने की ज़्यादा जगह नहीं है तो बेहतर ये सलाम अर्ज करें, फिर आप जो है इसके बाहर के एरिया में आगे यहाँ पर आके फातिहा पढ़ें या जो कुछ भी पढ़ना है आपको यहाँ पर आके सुकून से दुआएं वगैरह पढ़ें। इनके मज़ार शरीफ के बाहर ये जो एक आयाता नज़र आ रहा है जिसके अंदर पेड़ है और कुछ गार्डन वगैरह सा बना हुआ है, इसकी भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक सहाबी था, इनका विसाल तो काफ़ी टाइम पहले हो चुका था। जब इस्तांबुल फतह हुआ तो उसके बाद जो है सुल्तान फातेह जो थे उनके जो शेख थे उनके ख्वाब के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने जो है उनको बशारत दी मेरा मज़ार जो है इस किले के साथ जो है एक पेड़ है इसके करीब है, तो उसके साथ जो है इस पेड़ को भी महफूज कर लिया था और उनके मज़ार शरीफ की जो है तामीरत वगैरह सुल्तान फातेह ने जो है स्टार्ट कर दी थी। तो अभी खैर हम लोग आ गए फातेह वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है मज़ार शरीफ से बाहर जाएंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार से बाहर। फिर से अभी हम लोग बाहर निकले हैं आउटसाइड, और यहाँ पे भी कब्रिस्तान है, साइड के ऊपर जो है केबिन कार की एरो बना हुआ था, चल के देखते हैं केबिन कार है नहीं है, है तो कितने इसके रेट वगैरह हैं। तो अभी चलते हैं केबिन कार की साइड के ऊपर। जब आप केबिन चेयर की तरफ जा रहे होंगे इन बिटवीन रास्ते में जो है आपको शॉप्स नज़र आ जाएंगी, यहाँ पर जो है आप कुछ गिफ्ट आइटम वगैरह भी ले सकते हैं। और सामने जो है वो केबिन चेयर की एंट्रेंस है, अभी हम लोग जा रहे हैं इनसाइड और यहाँ से जो है टिकट वगैरह लेते हैं फिर चलते हैं केबिन चेयर। केबिन चेयर है जो इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप इधर आते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं और इसकी राइड की जो है वो 4 लीरा ही हैं वन साइड के, तो लेट्स सी बैठे हैं केबिन चेयर में। और ये केबिन कार जाएगी ऊपर टॉप तक, आप ऊपर टॉप पे जाएंगे फिर वापस आने के लिए आपको कार्ड दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। शॉर्ट जो है केबिन कार है मगर थोड़ी सी अट्रैक्शन है। मॉर्निंग 8 से रात को जो है 10 बजे तक जो है ये केबिन चेयर जो है आपको इधर टॉप पे छोड़ देगी। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर टॉप पे, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है, उधर भी ऊपर टॉप पे भी कैसे व्यू है, चलते हैं ऊपर टॉप पे और चेक करते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार से। और यहाँ पर जो टॉप पॉइंट है यहाँ पर उतरेंगे, यहाँ थोड़ी सेल्फी वगैरह लेंगे, तस्वीरें वगैरह लेंगे और व्यू काफ़ी अच्छे हैं, फिर वो वापस आप जो है रिटर्न चले जाएंगे। तो ये टोटल जो है 8 लीरा की एक्टिविटी है, 1 लीरा वन साइड की जो है 4 लीरा है अगर आपके पास जो है इस्तांबुल कार्ड है, तो अदरवाइज़ जो है इसके जो है वो 3 साइड के पास होते हैं जिसके 17 लीरा चार्जेस हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वेदर काफ़ी अच्छा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो और यहाँ पर काफ़ी जगह जो है आपको स्टॉल मिल जाएंगे, कॉर्न के मिल जाएंगे, तो काफ़ी एक अच्छा फ्लेवर होता है। और साथ धुआं चेक करें कितना ज़बरदस्त हो रहा है।
तो आज के दिन का जो हमारा एक्सपेंस हुआ, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट या लंच कह लें जो भी हमने किया, वो दोनों मिला के अराउंड जो है 133 लीरा का हुआ। तो फिर उसके बाद जो है वन टाइम वाले कार्ड लिए, जिसकी कॉस्ट जो है 8 लीरा आई थी वन पर्सन की, तो अभी हम लोग 8 लीरा में यहाँ पर पहुँचे। तो इस तरीके से मिला के ऑल टुगेदर आज के जो है हमारा ये एक्सपेंस हुआ है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर लोकेशन में फ्रॉम इस्तांबुल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पे आने के बाद वापस जाना है और आपको टॉप अप वगैरह ना मिल रहा हो, तो क्योंकि हमने भी थोड़ी सी परेशानी उठाई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ वीडियो। हम अभी जिस जगह मौजूद हैं, ये मेन स्टॉप है जहाँ पर आप उतरे होंगे। मेरे फ्रंट जो है मैडो रेस्टोरेंट है, उसके साथ जो है एक मशीन लगी हुई है, वहाँ से जो है आप टॉप अप करवा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मुझे मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, उसके बाद मिली। एक अपडेटेड बना दूँ, अगर इनकेस कोई आता है उसको प्रॉब्लम हो तो वह यहाँ से जो है टॉप अप करवा सक अपने इस्तांबुल कार्ड में।